खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा की शफाखाना चौकी में बैठे दिख रहे राजा गौतम, आरती राजौरा, दुष्यंत कुमार गौतम और सिमरन राजौरा हैं। ये चारों छात्रों को एक टीम में जोड़ा गया है। खुर्जा एसडीएम ने बताया कि खुर्जा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बनी ये वॉलंटियर्स की टीम समय समय पर इन सभी लोगों को फोन कर कोरोना के लक्षण संबंधित सवाल पूछेगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो इन वॉलंटियर्स की मदद से तत्काल खुर्जा एसडीएम को सूचित किया जाएगा। एनआरसी डिग्री कॉलेज के ये चारों छात्र इन सभी लोगों से दिन भर की जानकारी जुटाकर खुर्जा की जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। इनके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सवेरा नाम से एक और अभियान खुर्जा पुलिस और प्रशासन की ओर से चलाया गया है। वॉलंटियर्स बनाए गए इन चारों छात्रों को खुर्जा के वरिष्ठ नागरिकों की एक सूची और दी गई है। एसडीएम के अनुसार ये सूची खुर्जा पुलिस द्वारा तैयार की गई है। इस अभियान के तहत यही छात्र नगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों की कोरोना से संबंधित सभी समस्याओं को सुनकर खुर्जा उपजिलाधिकारी को सूचित करेंगे। जैसे किसी तरह की बीमारी, दवा की समस्या, खाने पीने की समस्या या सैनिटाइजेशन के लिए निवेदन जैसी सभी जानकारी जो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इन वॉलंटियर्स को प्राप्त होगी। सिटीजन की है ये, हम लोग जो 60 साल से ऊपर और नीचे गए हैं, हम उनको जानकारी फोन से जानकारी लेकर ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हो या नहीं हो। ये हमें चौकी से एसडीएम मैडम और सीओ सर की तरफ से खाने की और दवाइयों की और अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम, ये इसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आप घर में रहकर सुरक्षित हो, खाने पीने की कोई दिक्कत है, दवाई गोली की, क्या आपको खांसी जुकाम बुखार है दोबारा या नहीं, या आपका दोबारा चेकअप हुआ है या नहीं। सर, ये जिम्मेदारी हमें एसडीएम मैम और खुर्जा के सीओ साहब ने दी है। हम उन लोगों से जानकारी ले रहे हैं जो खुर्जा के अंदर क्वारंटाइन किए गए थे और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उनकी कोई भी दिक्कत है या उनमें कोई भी लक्षण अगर बाद में मिलते हैं तो सर हम उनकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। उनके हिसाब से हमने सर रजिस्टर भी बना दिया है। सर, उसके अलावा एक अन्य रजिस्टर हो रहे हैं, सवेरा योजना रजिस्टर जो सरकार द्वारा चलाया गया था, उसमें सर सीनियर सिटीजनों को जो भी दिक्कत है सर उसके बारे में हम लिख रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत है। सर, अभी एक हमारे पास कॉल आया था कि सर हमारा इलाका सैनिटाइजर नहीं है। सर, हमने उनकी प्रॉब्लम बताई और एसएसपी साहब से कहा, उन्होंने संग के संग उनका समाधान भी कर दिया। पुलिस और प्रशासन का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत सवेरा स्कीम के में जितने भी सीनियर सिटीजन की लिस्ट बनाई गई थी पुलिस के द्वारा, उनको डेली कॉल किया जाता है वॉलेंटियर्स के द्वारा और पूछा जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है, लॉकडाउन के कारण वो किसी तरह से एडवर्सली अफेक्टेड नहीं है और जो भी उनकी समस्या है उसका निस्तारण होता है। जैसे अभी एक कॉल आया था कि पीली कोठी के पास सैनिटाइजेशन हो जाए तो अच्छा है, जो अब हम लोग कराने जा रहे हैं। साथ ही जो जितने लोग होम क्वारंटाइन किए गए उनको डेली कॉल करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो होम क्वारंटाइन का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं, और इन जनरल भी फीडबैक लिया जाता है कि उनके घर के आसपास जो है वो लॉकडाउन की क्या स्थिति है। वॉलंटियर्स को एक क्वेश्चनेयर दिया गया है, वो वही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सारे लोगों को जिनको वो कॉल करते हैं, उससे हम लोग फीडबैक ले लेते हैं। उस जानकारी को ये वॉलंटियर्स खुर्जा पुलिस और प्रशासन तक पहुँचाएंगे ताकि समय रहते लोगों की समस्या का समाधान कराया जा सके और लोगों से लॉकडाउन का पालन भी कराया जा सके। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।